69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि कल और आज के परिप्रेक्ष्य में जो है, कल जो है मैं और आलोक भाई और पल्लवी जी तीनों लोग मिले थे जो है अलग अलग अधिकारियों से। इसके बाद जो है आज जो है हमारे मित्र जो कि ओबीसी वर्ग से भी हैं वो भी, और जनरल की तरफ से जो है विवेक द्विवेदी जी भी मिले थे पीएनपी के सचिव से। क्योंकि कल सचिव ने ये कहा था हमसे कि पीएनपी का सचिव जो है वो एक नंबर बढ़ा के हमको लिस्ट नहीं भेजा है, तो हम कैसे समझें। और उस मतलब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, कल जो है बेसिक सचिव का जो लैंग्वेज था पीएनपी के सचिव को के लिए वो बहुत ही ख़राब था। बिल्कुल एक आईएएस अधिकारी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक वो एक नंबर बढ़ा के हमको नहीं भेजेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि पीएनपी के सचिव ने कहा कि आप नियुक्ति देने वाली संस्था हैं, ना कि जो है वो नियुक्ति देने वाली संस्था है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा लैंग्वेज ख़राब यूज किया पीएनपी के सचिव के ख़िलाफ़। वो उनका अलग मैटर है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी को इस तरह का वो नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सचिव जो है बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों के साथ बर्ताव करते हैं, यद्यपि मैं कल था जो है मैं अपना आई कार्ड वगैरह इसलिए नहीं दिखाया कि वकीलों का जो है आई कार्ड वगैरह देखने के बाद अधिकारी जो है जो बताना चाहते हैं वो भी नहीं बताना चाहते हैं, जो बताना होगा वो भी नहीं बताना चाहते, मौन हो जाते हैं। कोर्ट में हम जब मिले थे तो उन्होंने यही कह के टाल दिया था कि आप ऑफिस में आइए, वहीं चाय पियेंगे और वहीं पे आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो मैं सोचा कि यदि मैं अपना आई कार्ड दिखाऊंगा कि हाई कोर्ट से आया हूं, तो निश्चित रूप से जो है वो हमको हर क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। लेकिन कल मैं आपको, क्योंकि देखिए जो चीज़ें बात हुई है वो स्पष्ट बता रहा हूँ। बेसिक शिक्षा सचिव जो है ने सबसे पहले तो हमारे मित्र जो है आलोक भाई और पल्लवी जी कुछ क्वेश्चन की, तो उन्होंने सीधा कहा कि हम आपके बंदर हैं क्या, हम आपके बंदर हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मतलब वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आम अभ्यर्थियों को भाव नहीं देते हैं और ये जो है इसी तरह का बर्ताव करते हैं। यद्यपि मैंने जब बात करना स्टार्ट किया, चूँकि मैं टू द पॉइंट लीगल पॉइंट पर बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर जो है वो बार बार बोले कि आप लोग जो है हमको, हमारा नाम भी पूछे उन्होंने कि क्या नाम है, तो मैंने विनय कुमार पांडे बताया और उन्होंने कहा कि नंबर भी नोट कर दीजिए उस पर, तो हाँ हम तीनों लोगों ने अपना नंबर भी उस पर लिखा जो है। तो उन्होंने बेसिक शिक्षा सचिव से हमने जब टू द पॉइंट सब पूछा जो है बार बार बार, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हो, हमसे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। चूँकि हमने कहा कि जो सर इसमें जो सीटें खाली रह गई हैं, लगभग हमारे पास कुछ आरटीआई आया है जवाब कुछ ज़िलों से, जिसमें कि 350-400 के आसपास पद हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है वो सीटें हमको दीजिए और जो टीजीटी पीजीटी 2021 की पद जो है जो खाली हुए हैं, जो है जो एक महीने दो महीने नौकरी करके चले गए हैं, उस पर उन्होंने पहले तो काफ़ी एक तरह से जैसे झंझनाहट उनको मतलब गुस्सा लगा, और उन्होंने कहा कि आप लोग ज़्यादा पढ़ लिए हो हमसे, ज़्यादा मतलब जानकार हो गए हो, ऐसी ऐसे बातें करते हो। तो हमने कहा कि ये देखिए ये पॉलिसी मैटर है, हम भी जानते हैं, और आप जो है बस इतना बता दीजिए कि ऐसी सीटें जब मतलब जब सिंगल बेंच के आर्डर में ये लिख दिया गया कि 1 जून 2020 की लिस्ट को फिर से रिवाइज किया जाए, तो ये पूरी भर्ती नए तरीके से हो रही है, तो आज की डेट में ये माना जाएगा कि इसमें कितने पद खाली हैं, लीगल पॉइंट था। तो उस पर जो है थोड़ा सा वो गुस्सा है, उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से पैरवी कर सकते हैं। हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री से या अन्य लोगों से मिलेंगे और इस पर बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने स्तर पर पैरवी करिए, ये हम लोगों के मतलब उसमें नहीं है। हम क्योंकि इस विभाग में जो है जो सीट अगर एक बार भर गई, भले वो सीट जो है एक महीने बाद 15 दिन बाद ही खाली क्यों न हो जाए, लेकिन उस पर नई भर्ती नहीं की जाती है, वो पुरानी भर्तियों में जोड़ी जाती है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों आज जो है पीएनपी सचिव से जब बच्चे मिले, तो उन्होंने कहा, पीएनपी सचिव ने ये कहा,
कि कोर्ट ने आर्डर में ये कहा है कि सिर्फ जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं उन्हीं को जो है एक नंबर दिया जाए, तो हम कैसे जो है दे दें जो है। आप लोग कोर्ट से स्पष्ट आदेश कराइए कि क्या सबको दें या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो कट ऑफ में आ रहे हैं एक नंबर, यानी जो कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं उनको एक नंबर नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनका मानना था। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों लोग टेक्निकल वो इस्तेमाल करके, वर्ड का इस्तेमाल करके, कोर्ट के आर्डर का सहारा लेके ये भर्ती को जो है उत्तर कुंजी के मैटर को ये लोग जो है कहीं ना कहीं टालना चाहते हैं। और अधिकारी बहुत ही ढीठ टाइप के हो गए हैं, जिस तरह के सचिव जी कल भाषा बोल रहे थे एक दूसरे अधिकारियों को, निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत भाषा है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि यही लोग सचिव लोग अधिकारी लोग जब आते हैं जो है कोर्ट में, तो वो किस तरह कोर्ट के सामने नतमस्तक होते हुए बोलते हैं, लेकिन अगर कोई वहाँ जाए तो उनकी भाषा इस तरह की होती, यहाँ तक अपने अधिकारियों के प्रति भी इस तरह की भाषा का यूज करते हैं, मुझे हैरानी होती है कि मतलब कि वो उनको इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो कि खुद एक सचिव है पीएनपी का सचिव जो है उसको जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये गलत है। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे जो कुछ होगा हम आपको सूचना देते रहेंगे। फिलहाल रिविजिट के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम जो है 17 यानी डेढ़ महीना, उन्होंने कहा था डेढ़ महीने के अंदर हम इस भर्ती को मतलब के सारे मुद्दों को हल करना चाहते हैं, और संभावना है कि 17 तक जो है रिविजिट कर लेंगे। और चूँकि सारे लोगों को नंबर देने से ही परहेज कर रहे हैं, जबकि जो है अगर सारे नंबर लोगों को नंबर नहीं देंगे तो आगे चल के और मुकदमे बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग और भी मुद्दे तमाम हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, और जब उसमें भी वो व्यक्ति जो है एक नंबर पाकर वैलिड होगा उसमें आदेश होने के बाद, तो फिर से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। फिलहाल तो मुकदमेबाजी के डर से ही मुझे लगता है ये लोग इस तरह कर रहे हैं। ये लोग जो है रिविजिट होने के बाद ही सब कुछ करेंगे ऐसा लगता है। फिलहाल जो कुछ होगा हम आगे सूचना देते रहेंगे। और मुझे पता चला है कि 20 तारीख को जो है आरक्षित वर्ग के लोग जो है अनुप्रिया पटेल से मिलेंगे। हम तो चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल जी से मिलें और उनको ये जो टीजीटी पीजीटी की सीटें हैं 5,000-6,000, अगर उन सीटों को जोड़ दिया गया तो निश्चित रूप से सारे वर्गों का फ़ायदा हो जाएगा, और लीगल रूप से 6800 के जो लोग हैं उनके भी लगभग 50% 60% लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। जनरल के लोगों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि जो है वो लीगल चीज़ है। अगर 5,000-6,000 लोग एक महीने 2 महीने नौकरी करके चले जाते हैं, और आज की डेट में सिंगल बेंच ने जब कह दिया कि 1 जून 2020 की लिस्ट को पूरी तरह से फिर से जो है रिविजिट किया जाए, तो आज की डेट में जो सीटें खाली हैं, आज 69,000 के सापेक्ष जो लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो सीटें बची हैं निश्चित रूप से उस पर भर्तियाँ हो सकती हैं। हाँ ये है कि पॉलिसी मैटर है, और एसटी को जब सीटें दी गई थी, एसटी वाली सीटें एससी को दी गई थी, तो क्या हुआ था उसमें ये लोग कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए थे, और कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके तब जो है एसटी की सीटें दी गई थी। इसी तरह जो है ये सीटें भी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके सरकार चाहे तो अपनी पॉलिसी बना के जो है इसको कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे।